हाय दोस्तों, मैं विवेक मालवीय आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक विजन्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अभी समाप्त होने वाला है और ऐसे में ही हमें यहाँ पे इनकम टैक्स पे करना होगा। तो हमें कौन कौन से इनकम टैक्स यहाँ पे लगेंगे और कौन कौन से इनकम टैक्स हम यहाँ पे करने होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि क्या आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बनाते हैं। अगर हाँ तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। क्या आपको यहाँ पे कैपिटल गेंस पे लगने वाले टैक्स को समझना, हम बताते हैं आपको इसके बारे में कि आपको कौन कौन से टैक्सेस यहाँ पे लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की, जिसे हम STCG के नाम से जानते हैं। कैन अपेयर एज टैक्स ऑन इसके नॉट पार्ट ऑफ वीडियो। तो अगर आपने लिस्टेड शेयर्स को खरीदने के 12 महीने में बेचे हैं तो आप उस तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपने बनाया है, उन प्रॉफिट के ऊपर आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा, जिसे हम STCG के नाम से जानते हैं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, जिसे हम कहते हैं LTCG। वो शेयर्स जिसे आपने 12 महीने तक के होल्ड किया है और होल्ड करने के बाद आपने इसको बेचा है, मतलब कि कम्प्लीटली आपने 12 महीने तक के होल्ड किया है और 12 महीने होल्ड करने के बाद आपने इन शेयर को बेचा है, तो आपको यहाँ पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, जिसे हम LTCG कहते हैं, ये लगेगा। और इसके ऊपर आपको एक प्लस कैश भी मिलेगा, जिसमें लेकिन इसमें 1,00,000 रुपये तक के अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो 1,00,000 रुपये तक के आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस देने नहीं होंगे। लेकिन 1,00,000 के बाद अगर आपने यहाँ पे कोई प्रॉफिट कमाया है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे चार्जेस देने होंगे, मतलब कि आपको टैक्स यहाँ पे चुकाना होगा। यानी कि 1,00,000 रुपये के ऊपर आकर आपने यहाँ पे 50,000 रुपये कमाया है, तो जो 50,000 रुपये आपने कमाया है उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। 1,00,000 रुपये जो आपने कमाया है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको स्टॉक पे डिविडेंड मिला है तो यह भी टैक्सेबल होगा एज पर योर करंट इनकम टैक्स स्लैब रेट। अगर आपने डिविडेंड कमाया है कुछ भी, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट जो आपको आया हुआ है और यह भी 1,00,000 रुपये के अंदर के दायरे में आता है, तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ही होने वाला है और उसके हिसाब से वो टैक्स यहाँ पे होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक जरूरी जानकारी आपको समय से पहले मिले। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का आपका प्लान है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और यहां से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी नॉलेज होती है, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।